सो वेलकम बैक गाइस, मैं आमिर बिन हिलाबी और आप मेरे बैकग्राउंड से ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मैं सिर्फ रुका हूँ यहाँ पे। ब्रो देखो यहाँ पे बैठे हम औरंगाबाद से आए, थोड़ा सा थक गए थे गाड़ी चला के, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। तो रेस्ट लेने के लिए हमको एक जगह दिखी जहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा ठंडा माहौल था, ये देख सकते हो जैसे कि झाड़ वगैरह। और हमारे ब्रो के साथ, ब्रो तो शिंदे साहब जो कि ये सब गायों को संभालते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के लिए रुक गए और मैं यहाँ पे थोड़ा शूट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे फुलंबरी, फुलंबरी के बाद वहाँ पे किधर जाना है मैं आपको वहाँ पे आगे बताऊँगा। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ से निकलते हैं आगे। ये हमारे ब्रो यहाँ पे बैठ के गाँव के मज़े ले रहे हैं। यस ब्रो। अरे ब्रो, ये शिंदे साहब है हमारे। ये हमारे शिंदे साहब, और अभी हम जाएंगे फुलंबरी। फुलंबरी माहौल ना मेरे बाबा को बहुत पसंद है। मतलब देखो, ऐसा झाड़ रहना, नीचे इस तरह की गाय रहना, ऐसी खटिया रहना, खटिया के बाजू ऐसा सा घर होना, और घर के पीछे ऐसा झूला होना, झूला के पीछे ऐसा खेत होना, ब्रो मेरे बाबा का फेवरेट ही है। तो शिंदे साहब ने हमको ये दिए कि हम यहाँ पर आए करके। थैंक यू। थैंक यू शिंदे साहब। शिंदे साहब तो चलने क्या क्या रुकना है अभी? चलते ये मेरे, मैं बता रहा था मेरे बाबा की फेवरेट जगह रहती है ऐसी। मतलब ऐसा खेत होना, ऐसा घर होना, ऐसा खटिया रहना और ऐसा झूले वगैरह, मतलब उनको बहुत पसंद आता। लेकिन तुम्हारा रुकने का इरादा दिख रहा नहीं, यहाँ पे चलने का आगे। चलो चलते हम, ऐसी हमारे साथ बने रहो। आगे जाएंगे, अभी बताते आगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यस। अरे हाँ, बोलना तो भूल गया, देखो वीडियो तो स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं शिंदे साहब के साथ बनाऊंगा ये कि अभी हम जा रहे हैं एसगांव। तो वहाँ पे ना जाने से पहले आप ये चैनल, जो मेरा चैनल है आमिर बिन हिलाबी, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। पहले फुलंबरी रे, फुलंबरी से लेफ्ट मार के हम जाएंगे एसगांव। एसगांव ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है राइट साइड में सिल्लोर, अजंता, अजलगांव, ये साइड। और हमको जो जाना है वो इधर जाना है, एसगांव, सुल्तानपुर और खुलदाबाद। तो हमारा गाँव इस साइड में है, तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कूल से। ये आ गया स्कूल। तो फाइनली गाइस देखो, सबसे पहले जो गांव में जो चीज देखनी थी ना मुझे, वो मेरे अम्मी का स्कूल था। वो जो स्कूल है ये, और शायद अच्छा, एंट्री खुली है। एंट्री खुली है। ये जो स्कूल है ना, ये मेरे अम्मी का स्कूल है। मतलब मेरे अम्मी, मेरे मामू, मेरे बड़े मामू, मेरे खाला, पूरा ननियाल, मतलब यही से। हाँ, है ना। हाँ, मेरे ननियाल पूरा स्कूल से पढ़ा, ये स्कूल से पढ़ा, देख लो। ये है वो स्कूल। ये था मेरे अम्मी का स्कूल पुराना। और अभी हम जाएंगे मेरे नाना नानी का घर देखने, जो कि मुझे देखे 15 साल हो गए। चलिए। तो गाइस ये है मेरे नाना नानी का घर, यहाँ से यहाँ तक। पहले यहाँ पे दो झाड़ थे और अभी एक ही बचा, पूरा खत्म हो गया। हाँ, उसकी खोल बाकी ना ब्रो। मतलब जैसा का वैसा है ब्रो, कुछ भी नहीं बदला। जैसा था वैसा कुछ है, कुछ भी नहीं बदला। सेम ये है, और पीछे मेरे अम्मी के चाचा का घर है पीछे साइड में, पीछे के साइड में। और ये हमारा पुराना घर था इस साइड में, नाना नानी का। और ये हमारे अम्मी के चाचा का घर था, चचानी का। और यहाँ से देख लीजिए, ये मतलब ब्रो इतना टाइम होगा, कुछ भी नहीं बदला, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तकरीबन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब से देखा था अभी तक वैसी है, गाँव भी वैसी, कोई चेंजेस नहीं, सेम वेम। अभी आप यहाँ से जाए बाद आपको मस्जिद दिखाएंगे ब्रो। दरवाजा खुलते है, चिचानी चिचानी अंदर बुला रहे हैं। यहाँ पे पहले ना बकरियों का वो था ब्रो, तबेला। मतलब मैं जब यहाँ से 2008-09 की बात है, जब पुराने। हाँ, ये साइड में यहाँ से, और वो उस तरफ पहाड़ की तरफ अपने को मस्जिद मिलेंगी। अभी हमने जो मस्जिद में नमाज पढ़े, वो मस्जिद की इमामत मेरे नाना करते थे पहले। और मस्जिद की आपको पूरी वीडियो ना अभी एक मिनट दो, शूज़ पहनते बताता हूँ। यह है वो मस्जिद। इधर से पहले ना ये
ऐसी नहीं थी, अभी बहुत अच्छे चेंजेस किए इसके अंदर, बहुत अच्छे से बना है इसको, ये मस्जिद को। लेकिन पहले सिर्फ ये एक कमरा था यहाँ से, और ये इसका पीछे का हिस्सा, और ये हमारे ब्रो यहाँ बैठे हुए। पहले एक ही रूम था ब्रो यहाँ पे, अब बड़ा कर रहे उसको। नमाज हुआ करती थी। हाँ, पहले यहाँ मेरे नाना जब थे यहाँ पे, एक ही था। अब याद आ गया, रेलवे स्टेशन अरे खानदान वालों को उनके नाम से पहचान ले रहे, मेरे को तो अभी तक किसने भी नहीं पहचाना। कि ब्रो इनके नाम, मेरे घर वालों का नाम ले रहा हूँ मैं तो चा पहचान रहे, हाँ तू इनका बच्चा है, तू इनका बच्चा। अम्मी का नाम ले तो मतलब सब, हाँ मेरा नानी का, मेरा अम्मी का नाम लेते, फिर मेरे मामू का नाम लेते, सब पहचान ले रहे यहाँ पे। मतलब फिर बेटा नहीं, मेरा अम्मी ब्रो छोटे नीचे से तीसरे, ये है मतलब बता रहा हूँ 15 साल पहले सेम सिचुएशन जैसे अभी दिख रही है ना, वो हमारे नाना का घर और ये चिचानी का घर, सेम वैसी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। और यहाँ पे ये जो रास्ते के ऊपर ना पहले क्या करते थे मालूम क्या, हम पे ना घरों के पहले से दिया रखते थे दिवाली के, छोटे वो ऐसा थोड़ा होल रखते थे दीवार के पास और उसके अंदर वो दिया लेते, हम लेके भाग जाते थे उसको। मेरे को वो चीज़ याद है। नाना नानी का घर जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, और बस अब वैसा तो रहा नहीं क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं, बाकी गांव पूरा सेम है। यह था हमारा घर पहले। चलने का खेत देखने का मामू का, खेत देख लेंगे, खेत में जा चले जाएंगे, रास्ते में खेत देख लेते, देख लेते। तो गाइस देखो, ये था मेरे नाना नानी का घर और ये गांव, और वो जहाँ पे मेरे नाना इमामत करते थे मस्जिद। तो अभी हम ये गाँव छोड़ रहे हैं और इरादे में नाम है मेरा कि मैं मेरे मामू के खेत में जाऊँ, लेकिन वो मुश्किल ये आन पड़ी है हमारे, क्योंकि हमने पूरे रास्ते से हमारे मामू का खेत देखते हुए, लेकिन अभी तक हम समझ भी नहीं आया किधर है, किधर जाना है। एक पुल था, पुल से राइट लेना था, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि वो जो पुल बन गया, पहले बन रहा था तब याद था कि वहाँ से राइट लेना क्योंकि टूटा हुआ था, लेकिन अब बन गया तो रास्ते में 4 से 5 पुल बन गए, और कन्फ्यूजन ये है कि वो कौन से पुल से राइट लेना है अंदर। अभी इधर साइड जाएंगे तो लेफ्ट लेना रहेगा बराबर, तो अभी देखते, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको हम खेत भी दिखा देंगे। तो इतना ही याद है मेरे को कि ऐसा पुल था, अब पुल से नीचे उतर के राइट साइड में हमको जाना था, लेकिन राइट साइड में मामू के खेत के अंदर रूम बने हुआ है, और यहाँ से मेरे को दूर दूर तक रूम नहीं दिख रहा, और तीसरा ब्रिज है, अभी तीसरा ब्रिज भूल गया मैं, असल में मामू का खेत था किधर, तो ब्रिज जब कंस्ट्रक्शन चालू था तब याद था, अभी ये मसन गई थी के बाजू में, पांच मसन गई थी कैसे याद है, नहीं ऐसे नहीं थी, भूल गया यार मैं किधर है। मामू तुम्हारा खेत किधर है मामू? मगरिब का टाइम हो गया यार, मगरिब का टाइम होगा, अपने को यहाँ से संतुष्ट होना पड़ेगा, चलो निकलते हैं मामू का खेत बाद में देखेंगे, फुलमरी जाएंगे अभी, फुलमरी जाएंगे। यस, निकल के हम आगे फुलमरी, और फुलमरी के अभी है हम बाजार में, और बाजार में लेना है रेवड़िया, मालूम ब्रो रेवड़िया? हाँ, गुड़ के बनते शायद, हाँ, गुड़ की है, देखते यहाँ मिलती है तो लेके जाना है औरंगाबाद। बाजार वालों को लपेटना चालू है ब्रो, सब बंद हो रहे, लाइट वाइट का इंतजाम नहीं ना ब्रो यहाँ, वो वजह से क्यों पूरा फुलमरी घूम लिए, लेकिन रेवड़ी हमको कहीं नहीं मिली, एक आखिरी उम्मीद थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिली। ये जनाब बोल रहे क्या है अगले हफ्ते लाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते हमारा आना यहाँ पे होगा नहीं, तो इसी के साथ बिना रेवड़ियों के ये ब्लॉग ये ख़त्म करेंगे। वीडियो लगा कैसा कमेंट में ज़रूर बता देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप बहुत जल्दी, 2-3 दिन में, बाय।